हेलो दोस्तों, सुनीता राघव रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अलसी और पालक के परौठे। पैन गरम हो गया है, अब हम एक बड़ी चम्मच अलसी लेंगे, एक बड़ा चम्मच धनिया, एक छोटा चम्मच सौंफ, एक छोटा चम्मच जीरा, 10-12 काली मिर्च और 5-6 लौंग हैं इसमें। इसको हम चला लेंगे। दोस्तों, अगर आपने तीखा खाना है तो सूखी मिर्च भी इसमें आप डाल सकते हैं और इस मसाले की क्वांटिटी भी आप ज़्यादा ले सकते हैं। मसाला भुन गया है, सिम आंच पर हमने इसको थोड़ी देर के लिए भुना है। अब हम इसको पीस लेंगे मिक्सी में। 2 बड़ा कटोरी आटा लिया हुआ है और 1 बड़ी कटोरी पालक। अब इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। जो हमने सूखा मसाला पीसा हुआ था, ये देखिए ये दरदरा पीसा हुआ है, अब हम इसको इसमें डाल लेंगे। सूखे मसाले, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, स्वादानुसार नमक, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा काला नमक, थोड़े से चिली फ्लेक्स, अगर तीखा खाते हैं तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं, 2 हरी मिर्च, 1 बड़ा प्याज, 2-3 की सहायता से भूनना है। 2-3 बड़े चम्मच हमने दही ले लेने। अब हम इसको गूंद लेते हैं, अगर पानी की आवश्यकता होगी तो हम डालेंगे, नहीं तो नहीं। थोड़े पानी की सहायता से आटा हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे और एक बार फिर इसको गूंद लेंगे। लीजिए, तैयार है आटा, अब हम इसके परोठे बनाते हैं। परोठे के लिए 1 बड़ा हम पेड़ा लेते हैं, 1 बड़ा हम सूखे आटे की सहायता से बेल लेते हैं। ऊपर से थोड़ा तेल डालेंगे, सूखा आटा डाल के हम इसको चौकोर आकार का पराठा बेलेंगे। ऐसे हमने चारों तरफ से ये देखिए। आप किसी भी आकार का बना सकते हैं। देखिए बिल गया ही हमारा, तवा गरम हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं और आंच को तेज कर लेते हैं थोड़ा सा। आंच को हम धीमा कर लेंगे। देखिए एक साइड से सिक गया है, अब दूसरी साइड भी हम सेक लेंगे इसी तरह। इसमें थोड़ा सा तेल लगाते हैं और इसी तरह दोनों साइड तेल लगा के धीमी आंच पे करारा होने तक हम इसको सेकेंगे। देखिए दोनों तरफ से पराठा हमारा करारा हो गया है, ये देखिए। अब हम इसी तरह से सारे परौठे बना लेंगे।
तो दोस्तों टेस्टी एंड हेल्दी गर्मा गर्म अलसी और पालक के पराठे तैयार हैं। आप इनको दही या अचार किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।